Okay. बच्चों। तो चलिए करते हैं आज आज के सेशन को और आज का बहुत ज्यादा होने वाला है सबसे पहले आप सभी एस्पिरेंट इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा जहां पे आपको डेली सेशन की पी मिल जाएगी तो आज का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले हैं और उसके क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं ना क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन रहे हैं और बच्चे इसको इग्नोर कर रहे हैं छोड़ रहे हैं सुपर एसिड बेस और एसिड बेस कॉन्सेप्ट ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये एक्चुअल में इसमें कोरिलेशन लगा के दिया जा रहा है आपको कोरिलेशन कैसे आपका कोरिलेशन लग रहा है केमिकल बॉन्डिंग प्लस एसिड बेस

तो इसलिए ये तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट है आप पहले तो पहली स्टेप रिएक्शन सही से करें उसके बाद उसके स्ट्रक्चर्स को निकाले उसके बाद फिर उसके इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा निकाले तो बच्चे क्या कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग तो पढ़ रहे हैं और भी जा रहे है कभी कभी रिएक्शन वाइज पूछ लिया जा रहा है आपको और बीच वाला पार्ट छोड़ दे रहे हैं ठीक है तो उस वजह से कहीं ना कहीं वो गलती कर रहे हैं उसको silly mistakes हम कहेंगे वो silly mistakes कर रहे हैं तो उसी silly mistakes को आज remove करेंगे इस सेशन के अंदर ठीक है है और इस session में आपको थोड़ा सा अपना देना है, आपके concept clear हो जाएंगे एसिड बेस को लेकर और एसिड बेस रिएक्शन को लेकर तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज्यादा टाइम ना कमाए हुए ठीक है तो सबसे पहले बात करते हैं एसिड बेस रिएक्शंस की तो एसिड बेस रिएक्शन में ध्यान रखिए आपको दिया जाएगा एस एफ फाइव ठीक है एस बी एफ फाइव दी स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड होते हैं स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं ठीक है थीके? और इनका फंक्शन होता है वन हेलाइड एक्सेप्टर वन हेलाइड एक्सेप्टर इसका काम यानी फंक्शन इसका काम ही है जब भी हाईलाइट को देखेगा वहां से एक हाईलाइट को अपनी तरफ खींच लेगा

बॉन्ड और इस वजह से इसमें जो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए आपके फाइव इलेक्ट्रॉन पेयर फाइव सिग्मा बॉन्ड फाइव इलेक्ट्रॉन पेयर हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d और ज्योमेट्री आ जाएगी इसकी ट्रायगोनल बाइपिरमिडल tbp जब इसने sbf6 फॉर्मेशन कर लिया है sbf6 फॉर्मेशन कर लिया है तो sb कंटेनिंग आल्सो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और एक नेगेटिव चार्ज है तो एक एडिशनल लिख दिया

उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग अप्लाई करो उसके बाद अब जैसे आपने देखा है कि ये टीबीपी है टीबीपी है ये वाला पहला वाला टीबीपी है तो ये बन जाएगा Sb is the central element and the fluorine is the surrounding elements तो टू फ्लोरीन इज एक्जियल पोजीशन एंड थ्री फ्लोरीन इज द इक्वेटोरियल पोजीशन इसका मतलब यहां पे F19 NMR सिग्नल जो आपको मिल रहे हैं F19 NMR सिग्नल जो आपको मिल रहा है बच्चों टू मिल रहे हैं रेशियो आ जाएगा उसका 3:2 रेशियो टू फ्लोरीन का एक सिग्नल और थ्री फ्लोरीन का एक सिग्नल यस yes और नो no? अब जैसे ही बन बन जा रहा है, तो रहा है है तो और में अरेंजमेंट कैसे करते हैं इन ऑक्टा हेडल ऑल बॉन्ड एंगल एंड द बॉन्ड लेंथ आर सेम बिकॉज इज नो डिस्ट्रॉशन आर टेक प्लेस कोई डिस्ट्रॉशन नहीं है तो एक्सल बॉन्ड एंगल और इक्विटोर बॉन्ड एंगल आपके सेम आ जाएंगे और सेम आएंगे तो हम इसको बोलेंगे आइडेंटिकल और आइडियल ऑक्टा हेडल और आइडियल में सारे फ्लोरीन सेम हो जाते हैं आइडल फ्लो तो आइडल फ्लोरीन है तो यहाँ पे F19 NMR सिग्नल्स आपके कितने आ जाएंगे F19 NMR सिग्नल इज वन, एक की सिग्नल्स आएगा क्योंकि ऑल फ्लोरिना से तो बच्चों कहने का मतलब ये है कि आप केमिकल बॉन्डिंग तो पढ़ चुके हो आजकल है ना और आपने इस स्पेक्ट्रा भी पढ़ा है बट अगर आपने एसिड बेस को छोड़ दिया तो कहीं ना कहीं आपसे ऐसी मिस्टेक्स हो जाएगी कि आपको प्रोडक्ट ही पता नहीं रहेगा और प्रोडक्ट नहीं पता रहेगा तो फिर आप एफ उसके स्पेक्ट्रम उसके पॉइंट नहीं निकाल पाओगे क्योंकि पे सिमेट्री भी आ रही है इसका पॉइंट ग्रुप बन जाता है डी थ्री एच इसका पॉइंट ग्रुप इज बिकॉज आइडेंटिकल है तो ज्योमेट्री इज इक्वल टू पॉइंट ग्रुप तो कितनी सारी चीजें इस रिएक्शंस पे डिपेंड कर रही है जिसको हमने नाम दिया है एसिड बेस रिएक्शन सुपर एसिड रिएक्शन और सुपर एसिड बेस राइट? और इस पर काफी जाएगी तो उम्मीद करता क्यों बोला है कि अगर आपको इनऑर्गेनिक है, है, है और आपने एसिड बेस के रिएक्शन को छोड़ दिया है तो फिर कहीं ना कहीं आप आंसर तो निकाल लोगे कुछ ना कुछ करके बट ऐसा भी हो सकता है कि कुछ आपको ना मिले सिल्ली मिस्टेक्स हो जाए आपके वहां पर

जहाँ पे भी आपने SBF5 को देख रहे हो और इसकी रिएक्शन आपने सी एल एफ थ्री के साथ कर रहे हो राइट मान के चलो सी एल एफ थ्री कोई भी ले सकते हो जरूरी नहीं है सी एल एफ थ्री आपने ले लिया है एस बी एफ फाइव सी एल एफ थ्री आपने ले लिया इसका नेचर क्या है एस बी एफ फाइव का लेविस एसिड है और गुड लेविस एसिड है ठीक है तो ये अगर लेविस एसिड होगा तो ये बन जाएगा आपका बेस क्योंकि हाइलाइट है, डोनर हो गया ये अपना एक हाइलोजन इसको दे देगा एक फ्लोरीन आपको इसको दे, दे देगा और ये बना देगा एस बी एफ सिक्स निगेटिव और ये बना देगा सी एल सी एल एफ टू पॉजिटिव एक हाइलोजन चलेगा तो दे फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट और इस टाइप के रिएक्शंस को हम सुपर एसिड रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है

तो ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल है कोई दिक्कत नहीं है ज्योमेट्री इज दी टेट्राहेड्रल बट द शेप ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज बेंट शेप बेंट शेप तो एक तो आपको एसिड बेस रिएक्शन से केमिकल बॉन्डिंग में कॉन्सेप्ट पूछ रहा है कि एसिड बेस रिएक्शन करके इसका जो प्रोडक्ट मिल रहा है यहां पे जो एक्स देगा कि SBF5 रिएक्शन विद CLF3 फॉर्मेशन ऑफ एक्स तो एक्स की ज्योमेट्रीज बताइए ज्योमेट्रीज बताइए सेकंड है कि बच्चों पे 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 देखा है 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 इसके अंदर टू एफ अभी देखा हैं कि टू एफ इसके अंदर अंदर अभी हमने कि भी टू एफ है, क्योंकि दो एक आ रही ना तो बच्चों यहाँ पे बॉन्ड पेयर पे पे और मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव ग्रुप यहाँ पे भी टू इन दोनों का एक सिग्नल इसका एक सिग्नल तो टू एफ नाइनटीन एन एम आर सिग्नल टू एफ नाइनटीन एनएमआर सिग्नल ये तो आप बता रहे हो केमिकल बॉन्डिंग से अब इसमें हो जाएगा इसमें ये कब बता पा रहे है? पता चल रहा है, कि है और आइडेंटिकल ऑक्टाहेडल भी है और आइडेंटिकल ऑक्टाहेडल है जब आप एफ नाइनटीन एनएमआर सिग्नल बता रहे हो और अब ये तो क्लोरीन टू लोन स्पियर एंड टू बॉन्डर जस्ट लाइक वाटर मॉलिक्यूल तो वाटर तो 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 मॉलिक्यूल्स आपके बहुत सारी चीजें आपको रिएक्शंस पे डिपेंड कर रही है और आजकल रिएक्शंस बेस्ड क्वेश्चंस बन रहे हैं अब वो जमाना चले गया है जहां पे आपको डायरेक्ट मॉलिक्यूल देखकर ज्योमेट्री पूछ ली जाती थी डायरेक्ट मॉलिक्यूल देख के शेप पूछ ले जाते थे अब वो थोड़ा जमाना चले गया है ना अब नया जमाना है जहां पे कंबाइन तीन टॉपिक में कंबाइन क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं रिएक्शंस भी करो ज्योमेट्री भी फाइंड आउट करो पॉइंट ग्रुप भी बताओ यहाँ पे इसका पॉइंट ग्रुप आ रहा है टीबीपी का डी थ्री एच यहाँ पे पॉइंट ग्रुप आ रहा है सी टू वी राइट इसका पॉइंट ग्रुप आ रहा है बच्चों ऑक्टा है तो और बेंट है तो वॉटर के जैसे सी टू वी

जैसे यहां पे आपको दे दिया है एसबीएफ रियक्शन विद बी आर एफ थ्री थ्री जैसे आपने एस बी एफ फाइव को देखा बड़ा ही खतरनाक है इसका नाम काम ही वही है काम चेंज नहीं करना है फंक्शन इसका है ना भाई किसी का काम है कि भाई एक काम है टीचर है आप उसको बोलेंगे भाई प्लेन ब, प्लेन उड़ा ले तो नहीं उड़ा सकता ना टीचर तो टीचिंग कर सकता है नदीम सर को बोलेंगे चलो आपको आज प्लेन उड़ाना है आज आपको टीचिंग नहीं करनी है तो हो सकता है क्या पॉसिबिलिटी है पॉसिबिलिटी नहीं है फिर नदीम सर को सिर्फ पढ़ाना आता है इसका काम एस बी को देख लिया इसका काम इसका फंक्शन है कि एक हलाइट को एक्सेप्ट कर लिया। तो एक हालाइट को एक्सेप्ट कर लिया तो ये बना देगा एस बी

और उसके बाद ये बन जाएगा बी आर एफ थ्री से एक्सेप्टर एसिड होते हैं डोनर आपके बेस होते हैं ठीक है तो एसिड बन जाता है कॉन्जुकेट बेस ये बन जाता है कॉन्जुगेट बेस और ये बन जाता है कॉन्जुगेट एसिड

इसमें F19 NMR सिग्नल्स अभी देखा है हमने F19 NMR सिग्नल TBP के अंदर कितने मिलेंगे आपको two और T के अंदर T शेप है तो दो axial पे है एक equatorial के ऊपर है दो axial पे है एक equatorial पे है तो यहाँ पे भी F19 NMR सिग्नल series दोनों के अंदर ठीक है और जैसे यहाँ पे जाएगा तो ये बन जाएगा octahedral और ये बन जाएगा आपका tetrahedral ठीक है ज्योमेट्री है ना ये बात कर रहे ज्योमेट्री की geometry यहाँ पे कितने बन जाएंगे एफ नाइनटीन एनएमआर सिग्नल्स बनने वाले आपके आइडेंटिकल है ऑल बॉन्ड एंगल एंड बॉन्डलेन सेम जब ऑल बॉन्ड एंगल बॉन्डलेन सेम है तो एक ही मिलेगा सभी और यहाँ पे भी एफ नाइनटीन एन एम आर सिग्नल इज ऑनली वन जस्ट लाइक वाटर के जैसे कर रहा है तो वाटर के अंदर सी टू एक्सिस पास करोगे ठीक है तो एफ नाइनटीन एन एम आर सिग्नल जो आने वाले हैं आपके वो वन है? तो आपको अभी जस्ट ही पूछा गया है ट्वेंटी ट्वेंटी टू में ये क्वेश्चन पूछा गया था आपको जिन लोगों ने देखा होगा पेपर उनको समझ में आ गया होगा बट जिनको एस बी का नेचर पता है उसने आंसर कर दिया एस बी का नेचर आपको पता होना चाहिए समझ में आ रहा है एसबी का नेचर आपको पता होना चाहिए सर मैं तीन बार एग्जाम दे चुकी हूं लेकिन मार्क 82 से आगे नहीं आ रहे हैं अनुश्र ठीक है बेटा तो मुझे ऐसा लगता है अगर आपके मार्क्स 82 आ रहे हैं इन प्रॉपर कभी-कभी क्या होता है ये प्रॉपर रिवीजन की वजह से भी ये नहीं होता है ना तो अगर आपका आपको लग रहा है कि रिवीजन में लैगिंग हो रही आपको पता चल जाता है क्योंकि आप जब पढ़ते हो तो याद नहीं आ रहा है प्रायरिटी तो uh, तो दो सेवेंटी परसेंट क्वेश्चन को थर्टी परसेंटी थर्टी परसेंट रिविजन को सेवन क्वेश्चन सॉल्व करो एग्जाम में जाने से पहले यानी आज से ही आप टारगेट करो कि आपके पास डेढ़ महीना है दो महीने हैं क्वेश्चन करो टाइम दिन में अगर आप दस घंटे पढ़ रहे हो तो सेवन आवर्स तक आप क्वेश्चन ही सोल्व करो और 3 इस वजह से मार्क्स कम आ रहे हैं हम रिविजन क्या करते हैं रिवीजन को ज्यादा टाइम देते हैं और रिवीजन को ज्यादा टाइम दे देते हैं और क्वेश्चन को कम रिवीजन को ट्वेंटी परसेंट टाइम देते हैं तो वो एक आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है क्योंकि एग्जाम हॉल में बैठे बाद आप ज्यादातर क्या करते हो ज्यादातर हम क्या करते हैं क्वेश्चन ही सॉल्व करते हैं हम थोड़ी बार पूरा नोट्स बनाएंगे या करेंगे तो इस चीज को ध्यान में रखिए मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सजेशन आपसे ये रहेगा कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस को ज्यादा टेस्ट सीरीज मैक्स टू मैक्स टेस्ट सीरीज दीजिए बार बार दीजिए है ना बार बार देगा चलिए हाँ ठीक है तो यहाँ तक समझ में आ गया है चलिए वन मोर क्वेश्चन में ले लेता हूँ एक और क्वेश्चन में ले लेता हूं आपके लिए जैसे कि यहाँ पे आपको दिया है SBF5, SBF5, N2F2, 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 right? यहाँ पे जैसे आपने एस बी एफ फाइव देखा है तो इसका काम है एक हेलाइट को तो एस बी एफ सिक्स बना देगा एस बी एफ सिक्स बना देगा ये 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 तो हो होना 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 ही ही है है. भाई. ध्यान ध्यान में हो में रखिए. हमेशा दो दो के के होते होते हैं. ये जो दो टाइप होते हैं. जो एक होता है और एक होता है बच्चा ट्रांसफॉर्म ध्यान में रखिए एक होता है ये में करते हैं और एक ट्रांसफॉर्म में इसे हम बोलेंगे इस मॉलिक्यूल का सीज अरेंजमेंट और इस मॉलिक्यूल का ये ट्रांस अरेंजमेंट ट्रांस अरेंजमेंट तो अगर हम समझने की कोशिश करें यहाँ पे कि किसके साथ फास्ट रिएक्शन करेगा और किसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा तो ध्यान में रखिए सीस के साथ रिएक्शन करेगा क्योंकि पोलार है C2V है ठीक है और ये सी टू एच है ये नॉन पोलार मॉलिक्यूल है तो इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा ट्रांस के साथ रिएक्शन नहीं करेगा बट सीस के साथ रिएक्शन कर जाएगा ये भी एक इंपॉर्टेंट है इस पोलार के साथ बिकॉज ये मोर रिएक्टिव हो जाएगी जैसे अपना सीस प्लेटिन है

अप्लाई भी करिए और आंसर भी करिए कि विच रिएक्शन इज नॉट लाइकली ऑकर विच रिएक्शन इज नॉट लाइकली ऑकर नॉट ऑकर बोला गया है कि कौन से रिएक्शन ऑकर नहीं करेंगे नहीं जाएंगी फॉरवर्ड डायरेक्शन मिल जाएगी ठीक है चलिए बताइएगा सभी अप्लाई करें ट्राई करें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों आपका आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा बनना ही बनना है चलिए बताइए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन विच रिएक्शन इज नॉट लाइकली क्लियर के फॉरवर्ड डायरेक्शन में कौन नहीं जा रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में कौन नहीं जाएगा अच्छे से रिलैक्स योर माइंड एंड आंसर रिलैक्स करिए अपने माइंड को रिलैक्स करिए और आंसर करिए विच रिएक्शन इज नॉट लाइक लाइकली टू ऑक आराम से सोचिए थिंक करिए अप्लाई करिए कोई गड़बड़ करनी है है? है, है? का 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 का। काम काम शैतान शैतान का होता है। हम तो इंसान किसका चलिए, आपके पास है कॉन्सेप्ट लगाना है चलिए देख लीजिए क्रॉस चेक कर लिया अपने आंसर को कोई दिक्कत नहीं है, अप्लाई जरूर करें और सोचें, ठीक है अब देखो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स है तो यहाँ चले जाएगा आई एफ तो ये करेक्ट है आपका एसिड बेस तो ये बे, ये आपका एसिड हो जाएगा ये बेस हो जाएगा ठीक है सही आ गया पे कैल्शियम सॉरी सीजियम प्लस वन तो ये हो जाएगा बेस और ये जगह एसिड यानी ये क्या करेगा एक्सेप्ट करेगा तो ये आर तो ये एसिड बेस रिएक्शन और ये भी ऑफकर हो रही है ठीक है यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा देखो एस बी टू दिया है आपको एस बी एफ फाइव टू दिया है बट इसका काम है एक ही को एक्सेप्ट करना एक से ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करेगा इसका मतलब एक कर दो, दो लेकर बन तो क्या, ले 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 क्या बना देगा एस बी फ्लोरिन और एसबी और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके एस बी एफ फाइव एस बी एफ फाइव कितने हो गए आपके एस बी एफ सिक्सिव चार्ज तो आना ही यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं तो एस बी टू एफ अलेवन फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है एस बी टू एफ एलेवन निगेटिव और इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा यहाँ पे बचा हुआ जो है आपका बी आर एफ फोर पॉजिटिव बी आर एफ फोर पॉजिटिव दिस रिएक्शन आल्सो ऑकर सही है क्योंकि ये जो फ्लोरीन है बीच वाला जो फ्लोरिन है ब्रिजिंग कर रहा है दो कॉम्प्लेक्स ये जो दो कॉम्प्लेक्स है उसको ब्रिज बना दे रहा है

सही समझ में आया आपके क्योंकि बी एफ थ्री तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग कर रहा है टूपी -टूपी interaction, तो वो कैसे अपना हेलोजन को दे देगा लॉजिक में ही नहीं बैठ रहा है हमारे दिमाग में नहीं आ रहा है ऐसे कैसे हो गया भाई क्योंकि यहां तो बहुत ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी लगेंगी क्योंकि ये टू पी टू पे इंट्रेक्शन है टू पी टू पे इंटरेक्शन समझ में आया है आपके दिमाग में क्लियर हुआ है तो दिस रिएक्शन इज नॉट ऑकर द फोर्थ रिएक्शन इज नॉट ऑकर चलिए ये आपका होमवर्क है answer comment box में जरूर करिएगा है 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 ना ये आपका homework है, आपको अच्छे से करना है इसको सोच समझ के और ये आपको आपको आपके NET examination में पूछा गया ठीक है है तो आराम से, से आपको करना है, homework है, आराम से 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 करना करिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहीं से क्वेश्चन आपको बनेंगे वही है सब सब रिएक्शन एसिड बेस वाले ही है एक एसिड एक बेस है एक एसिड एक बेस है उसकी रिएक्शन करिए और देन उसको मैच करिए इसके साथ मैच करिएगा और आपके आंसर को चूज करिएगा और कमेंट बॉक्स में पुट करिएगा आराम से है ना भाई कमाल की बात है कमाल का है बट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें केमिकल बॉन्डिंग भी आ जाता है इसमें इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा भी आता है इसमें पॉइंट ग्रुप्स भी आ जाते हैं और इसमें आपकी एसिड बेस रिएक्शन भी आ जाती है चार चार टॉपिक के चार कॉन्सेप्ट मिलकर ये बन जाता है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग

आते ही आते हैं ना जिससे आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाए चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर और नेक्स्ट सेशन के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं चलिए थैंक यू सो मच हैप्पी लर्निंग अपना ख्याल जरूर रखिए। बच्चों